दोस्तों तो चलिए रेडी हो जाते हैं फॉर आज का सेशन, जिसमें वन शॉट में इस पूरे चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड को हम लोग समराइज करेंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स। तो व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये चार टॉपिक इस चैप्टर के सेपरेट वीडियोस के रूप में मैंने आपको एक एनसी बना के सिखाया है, लेकिन आज हम लोग इन सारे टॉपिक को एक साथ लेंगे समरी वाइज और साथ में प्रेजेंटेशन। ओके, क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं टॉपिक वाइज और उनको किस तरह बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया, तो उसका भी थोड़ा सा हाईलाइट आपको मिलेगा। ओके, स्पेशल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर यू कैन से हैंड रिटन पेपर कैसे लिखना है वो बताऊंगा, लेकिन आज आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि अगर आप पेपर में लिख रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो और नोट्स बना रहे हो तो किस तरह आपको लिखना चाहिए। ओके, चलिए तो पहला टॉपिक जो है वो है आपका 1.1 व्हाट इज लिविंग। ओके, तो इस पे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, आ सकता है ओके क्योंकि आई एक्सप्लेन यू कैन सी इन माय हाउ टू स्टडी बायोलॉजी वाले एपिसोड में कि एवरी सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। ओके, तो वन सेंटेंस यू कैन सी एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए कैसे भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग नॉन लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड थिंग्स से किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मालूम है बेसिक हमारा ऐसा है कि आपका जो थिंग्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो थिंग्स जितने भी चीजें पाई जाती हैं वो 3 टाइप्स के हैं। ओके, तो पहला टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग, दूसरा टाइप जो है उसको कहते हैं नॉन लिविंग, और तीसरा जो है वो है आपका एक एनसी वर्ड डेड। तो वी हैव टू एक्चुअली डिस्टिंग्विश, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसमें हम लोग इस लिविंग को आपका नॉन लिविंग और डेड, नॉन लिविंग प्लस डेड से क्या है डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लाइफ और नॉन लाइफ या लिविंग और नॉन लिविंग या डेड के बीच का डिफरेंस कैसे है, कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई चीज लिविंग है या उसमें लाइफ है या नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने एपिसोड में पूछे थे और उसके आंसर्स मुझे एक एनसी प्रॉपरली नहीं मिले, उनको भी मैं डिस्कस जरूर करूंगा। ओके, कि भाई मैंगो क्या है, मैंगो क्या है। ओके, तो मैंगो इज लिविंग, उसका कारण यह है कि अगर आप मैंगो को डालोगे आपके सॉइल में तो मैंगो के अंदर क्या होता है, मैंगो का सीड, एंड अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिला तो सीड विल जर्मिनेट इनटू ए न्यू मैंगो प्लांट। सो दैट्स व्हाई मैंगो भले वो प्लांट का ऑर्गन है लेकिन वो लिविंग है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट को हमको क्या है जानना है। ओके, चलिए तो डेफिनेशन, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो देखिए सबसे पहले हेडिंग देना है, जैसे अभी देखिए व्हाट इज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके 2 पार्ट है। ओके, तो अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज लाइफ और व्हाट इज यू कैन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि 2 एस्पेक्ट को आपको अभी आंसर करना है। तो उसमें पहला है एस्पेक्ट आपका लाइफ, तो लाइफ का हेडिंग दीजिए। ओके, और हो सके तो हेडिंग हमेशा कैपिटल में दीजिए और उसके बाद में उसका जो स्टेटमेंट है लिखना है। तो लाइफ को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, जीवन क्या है, तो लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एक्सप्रेसेस थ्रू केमिकल रिएक्शंस एंड लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। मीन्स भाई क्या, ओके, जीवन क्या है, तो जीवन नथिंग बट क्या है, मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक्सप्रेस करता है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्सिवनेस है, एडाप्टेशन है, रिप्रोडक्शन है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े हैं। ओके, फिर इसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कौन है, तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद के एबिलिटी से रिप्लिकेट करना, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ये 2 सेंटेंस है ओके, जिसे आपको अपने दिमाग में फिट बैठाना है कि अगर आपको पूछे लाइफ, तो अगर आप सिंपल बोल सकते हैं कि सर अभी लाइफ क्या है, ओके, तो लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, तो लाइफ मींस द ऑर्गेनाइज्ड, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड यू कैन सी व्हाट केमिकल सिस्टम, इज ऑर्गेनाइज्ड केमिकल सिस्टम शोइंग लाइफ एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी सिस्टम
इसमें लिविंग एक्टिविटीज चल रहे हैं या लाइफ एक्टिविटीज चल रहे हैं, जैसे ग्रोथ हो रहा है उसका, डेवलपमेंट हो रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, एडाप्टेशन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे देयर आर 20 डिफरेंट फीचर, रेस्पिरेशन कर रहा है, न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ, मतलब जीवन, जीवन। ओके फिर बोलेंगे फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको है, तो एनीथिंग, अभी सिंपल तरीका, एनीथिंग, एनीथिंग विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। एनीथिंग विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला है, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। देखिए बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक ही फंडामेंटल है जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है। तो रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसको ही हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस मतलब प्रतिक्रिया देने की क्षमता, उसी को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उसी को इरिटेबिलिटी भी कहते हैं, इरिटेबिलिटी। ओके तो कोई भी चीज अगर वो ये परफॉर्म कर रहा है, उसमें ये फीचर आपको दिख रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, वो कॉन्शियस है, वो इरिटेबल है, ओके उसको सभान कहते हैं, सभानता, भान होना, किसी चीज का भान होना, भान मीन्स टू बी अवेयर। ओके तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आईएमपी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमने पढ़ा है। ओके तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चीज को कहते हैं जिसमें वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है या खुद की एबिलिटी से वो रिप्रोड्यूस करता है, उसमें लगातार चेंजेस आ रहा है, मतलब इवॉल्विंग हो रहा है, वो अपने जितने भी सिस्टम्स है उसको खुद रेगुलेट करता है, बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद के ही सारे सिस्टम एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसको सभानता, ओके या प्रतिक्रियात्मकता भी कहते हैं, ओके या उसको कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उसको इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। ओके तो इस तरह आप एक लाइफ को लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी कि एनीथिंग विच शोज यू कैन सी लिविंग कैरेक्टर्स, तो वो हो गया आपका यू कैन सी व्हाट, या लाइफ कैरेक्टर, उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या विच शोज ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिस्पॉन्डिंग टू external stimulus. Okay students, so this is about life and you can see non-life. चलिए next question की तरफ जाएंगे, तो next question आ रहा है, in list the different characteristics, आ सकता है attributes, आ सकता है features, आ सकता है। इसके लिए देखिए जब आपको questions आएगा तो एक ही questions को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, characteristics जगह पे attributes होगा, features होगा, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक मतलब सबका answer एक। आपका स्टार्ट कैसे करेंगे, फॉलोइंग आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ओके यानी कि लाइफ के फॉलोइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, और सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके आप नाम दीजिए। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आई कैन से हमने स्टडी किए हैं, उसमें से पांच आपके टेक्स्ट बुक में आपको स्टडी करना है। ओके तो उसके हिसाब से लेंगे। ओके तो पॉइंट वाइज आप लिखोगे। ओके तो इसमें से सपोज आपको क्या लिखना है, अगर मैं अभी आंसर लिखूंगा तो फिर लिखना है मुझे ऐसा, सबसे पहला द फर्स्ट, देखिए मार्जिन बना दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो राइटिंग पार्ट है, तो इसके बारे में प्रेजेंटेशन के बारे में मैं अलग से सेशन लेना हुआ तो, लेकिन यहाँ पे मार्जिन आपको बनाना है। ओके रहने दीजिए मार्जिन, तो दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं शुरुआत में स्लो जाऊंगा, बाद में थोड़ा फास्ट जाऊंगा। फॉलोइंग आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, पहला हो गया आपका ग्रोथ। ओके फिर दूसरा तरीका है आपका यू कैन सी व्हाट, रिप्रोडक्शन। तीसरा तरीका है आपका यू कैन सी, तो तीसरा लाइफ कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका मेटाबॉलिज्म। फिर चौथा जो प्रॉपर्टी है आपका वो है आपका एडेप्टेशन, लिखिए नहीं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स्टबुक के हिसाब से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आपका है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का है वो है कॉन्शियसनेस, isn't it consciousness? देखिए पांच को ही लेते हैं हम लोग। ठीक है देखिए ये एक तरीका है, तो ये एक तरीके से आप लिख सकते हैं, एक मार्जिन में आपने ड्रॉ कर लिया। ओके और देखिए हर एक से जो टर्म मैंने लिखा है उसके बीच में एक एक लाइन यहाँ पे छोड़ा गया है,
तो ये एक एक लाइन छोड़ने से प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ओके। तो ये एक तरीका है, ओके। दूसरा तरीका क्या है कि सेम पॉइंट्स को अगर मैं लिखूंगा तो वैसे लिख सकता हूँ, ओके। तो पहला पॉइंट है आपका ग्रोथ, फिर सपोज आप एक लाइन छोड़ना नहीं चाहते हो, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको एक थोड़ा सा डिफरेंट मार्जिन में, सेकंड हो गया आपका एक एनसी वर्ड रिप्रोडक्शन, थर्ड हो गया आपका एक एनसी वर्ड आपका मेटाबॉलिज्म, फोर्थ हो गया आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओआरजी लिखता हूं अभी शॉर्ट में, फिफ्थ हो गया आपका वैकेंसी कॉन्शियसनेस, ओके। तो देखिए ये अभी आपको कैसा लग रहा है, ओके। तो आपने एक स्लैंटिंग मोड में वैकेंसी इसको लिख दिया है, ओके। तो ये हो गया, अब ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरह आप अपने वैकेंसी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस पे और भी बहुत सारे टेक्निक है जिससे आप अपने पेपर के प्रेजेंटेशन को इस तरह तैयार कर सकते हो ताकि सामने वाला जो बंदा है, मतलब आपके जो सुपर एग्जामिनर है, वो इतना खुश हो जाएंगे कि आपको नेचुरली मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स देंगे। अगर वो होता है कि इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन, ओके। तो एक क्वेश्चन को अगर आपने इतना अच्छी तरह लिखा है तो उसका असर डेफिनेटली किसी दूसरे क्वेश्चन के इवेल्यूशन पे जरूर जरूर पड़ता है, और बोर्ड के लिए नेचुरली ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपका आपके बारे में आपको सिखाने वाला हूँ, ओके, जब मैं आपका पेपर प्रेजेंटेशन वाला सेशन लूंगा, ओके। तो अल्टीमेटली वैकेंसी बहुत सारे जितने भी फीचर्स है उसमें से कोई भी फीचर आप लिख सकते हैं, हो सकता है स्पेसिफिक फीचर भी आपको पूछा जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, ओके। तो ये हमने देख लिया है, तो जितने भी फीचर्स है उसमें डिफाइनिंग, और कुछ फीचर जो है दे आर नॉट डिफाइनिंग, यानी कि वो पूरी तरह एक लाइफ को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि इवन लिविंग या कुछ डेड चीजों में भी ये फीचर्स पाए जा सकते हैं, ओके। तो डिफाइनिंग फीचर्स कौन से होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स ये इंपॉर्टेंट है। तो डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर होते हैं विच डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग से एक लिविंग को डिस्टिंग्विश करता है, ओके, उसको आपका डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, एंड इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर होना चाहिए, ओके। तो उसको डिफाइनिंग कहते हैं। नॉन डिफाइनिंग में हो सकता है कि उसका एक एस्पेक्ट जो है वो नॉन लिविंग भी शो करे या डेड भी शो करे, लेकिन आपका डिफाइनिंग विल बी शोन बाय यू कैन सी ओनली लिविंग या ऑल यू कैन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट विल नॉट बी शोन बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो डिफाइनिंग कहलाता है, ओके। या उसको सेलियंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक और वर्ड डिफाइनिंग की जगह पे आपको आ सकता है, सेलियंट फीचर भी आएगा आपको, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ओके। चलिए और जो फीचर हमने पढ़े हैं, ओके, तो उसका एक चार्ट जैसे ही बना देते हैं अभी, ओके। तो देखिए ये हमने मैंने एनसी लेक्चर्स में आपको दिया था डिफाइनिंग फीचर, देखिए बहुत सारे हैं, तो उसमें कुछ लिया, होमोस्टेसिस है, इवोल्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एडाप्टेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ओके। तो इसमें HEMA, हेमा सीसी, तो हेमा सीसी दे आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ओके, बिकॉज दे आर फाउंड ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज दिस एनसी फीचर्स, और उसमें कॉन्शियसनेस जो है या इरिटेबिलिटी वो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, डेड ऑर्गेनिज्म में पाया नहीं जाता है। तो इट इज ओनली एक्सक्लूसिवली यू कैन सी लाइफ कैरेक्टर्स, जिसे हम लोग एक लिविंग को डेड से कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको ये कैन सी इंश्योर करना है या ये डिस्टिंग करना है कि एक लिविंग, एक चूहा है वो मरा है या जीवित है, तो उसके लिए आपको कॉन्शियसनेस चेक करना है, और वही किया जाता है, ओके। तो कॉन्शियसनेस के भी अलग अलग तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के कॉन्शियसनेस को उसके आंखों के यू कैन सी रिस्पॉन्सिवनेस पे डिटेक्ट किया जाता है, उसके जो आयरिस है उसके मूवमेंट पे उसको डिफाइन किया जाता है। तो इस पे मैं यू कैन सी एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं लेकिन वो परफेक्ट यू कैन सी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसके लिए उसको नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। जैसे ग्रोथ है आपका, रिप्रोडक्शन है, एजिंग डेथ है, मूवमेंट है, ऐसे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेकिन वो नॉन लिविंग भी शो करते हैं, उनको नॉन डिफाइनिंग कह सकते हैं, नॉट परफेक्टली, तो नॉन डिफाइनिंग बोल सकते हैं, नॉट ए परफेक्ट
डिफाइनिंग फीचर। ओके, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस आ सकता है, तो बी केयरफुल। ओके, तो उसका शॉर्ट है ग्राम। ओके, तो जी जी जो स्टैंड करता है वो ग्रोथ है, आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, ए स्टैंड फॉर एजिंग, एम स्टैंड फॉर वॉट, मूवमेंट। ओके, यहाँ पे एच हो गया आपका होम्योस्टेसिस, ई फॉर इवोल्यूशन, एम फॉर मेटाबोलिज्म, ए फॉर एडेप्टेशन सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सी, और ये लास्ट का जो सी है वो है कॉन्शियसनेस। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एक लिविंग को नॉन लिविंग और डेड से, ओके, फ्रॉम डेड ऑल्सो, फ्रॉम डेड से कंपेयर करता है, वो है आपका कॉन्शियसनेस। ओके, और ह्यूमन के पास आपको मालूम है एक स्पेशल फीचर होता है जिसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड वन सेल्फ। ओके, ये ह्यूमन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म ग्रोथ, और फिर उसके साथ में एक और क्वेश्चन ऐड किया है, इट इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। ओके, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन को अभी दो पार्ट में दिया है, ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है, यानी कि ग्रोथ का तो डेफिनेशन देना है, साथ में ग्रोथ से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है आपको मालूम है उसको भी बताना है, तो फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि वो डिफाइनिंग है या नहीं है। ओके, प्रूव करना है उसको। ओके, तो ग्रोथ का डेफिनेशन दे दिया। ओके, हेडिंग दे दिया, तो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वो वापस, यू कैन सी, रिवर्स नहीं होता है। ओके, उसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट, सॉरी, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अभी कैन नॉट बी रिवर्स का मतलब क्या हो गया, ओके, जैसे अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सीड से, देखो ये सीड जो है, सीड अभी जर्मिनेट हुआ, उससे सीडलिंग प्रोड्यूस हुआ, तो उससे अभी सीडलिंग प्रोड्यूस हुआ, तो ये आपका शुरुआत के जो स्टेजेस है वो सीडलिंग है, और सीडलिंग के आखिर में अल्टीमेटली ये छोटा सा यंग आपका प्लांटलेट तैयार हो गया। ओके, प्लांटलेट तैयार हो गया। ओके, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन इन विच द ग्रोथ इज ऑकरिंग। अभी यंग प्लांटलेट वो वापस, यू कैन सी, वापस सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये जो कन्वर्जन है, दिस कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसके लिए इसको इरिवर्सिबल कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे इंसेक्ट में आपको मालूम है, इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट का अगर आप लाइफ देखेंगे, ओके, तो उसमें सबसे पहले एग प्रोड्यूस होता है, एग से प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है लार्वा। ओके, तो लार्वा से डेवलप होता है प्यूपा, और प्यूपा से डेवलप होता है आपका व्हाट, आपका एडल्ट। ओके, लेकिन आप बोलोगे एडल्ट से प्यूपा, नॉट पॉसिबल। ओके, रिवर्स नॉट पॉसिबल, प्यूपा से लार्वा, इट इज नॉट पॉसिबल, लार्वा से एग, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो एक बार ग्रोथ हो गया तो अल्टीमेटली वो रिवर्स नहीं होगा। ओके, उल्टा डायरेक्शन में ग्रो नहीं होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज किसमें होता है, मास में होगा या वॉल्यूम में होगा। ओके, या उसके फॉर्म में चेंजेस आएगा अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द नंबर एंड ड्राई मास ऑफ द सेल। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसका स्पेस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वो उसके शेप पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो वॉल्यूम रिलेटेड टू शेप एंड स्पेस ऑक्यूपाइड। ओके, फिर उसका फॉर्म देखा, अभी ये जो आपका सीडलिंग है, अभी ये प्लांट अल्टीमेट जो वो पेड़ बनेगा, जो वो पेड़ बनने वाला है, तो नेचुरली डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का पेड़ है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, तो उसका क्या है, फॉर्म चेंज हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ साथ में ड्राई मास ऑफ द सेल इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रोथ मेनली होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सेल्स, और सेल्स जो है बेसिकली बनते हैं चार इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट, और आपका न्यूक्लिक एसिड से तैयार होते हैं। ओके, लेकिन आपको मालूम है एक सेल में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो वाटर का होता है, यानी कि कोई भी सेल लो आप, ओके, या बॉडी लो, उसमें जनरली 60-65% क्या रहता है, वाटर रहता है। ओके, तो आपका ड्राई मास क्या होता है, इट इज द, यू कैन सी, मास माइनस वाटर, यानी कि टोटल मास, जो टोटल मास है, यू कैन सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें से आप वाटर को रिमूव कर दो, रिमूव द अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए गिवन, यू कैन सी, बॉडी, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म में ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें अगर आप सब लोग इतना पानी है, ये सब पानी है, तो इतना पानी अगर आप, यू कैन सी, निकाल दोगे, तो जो बचेगा मास, तो वो मास हो जाएगा आपका, ये ब्लू से जो शेड किया है, ये है एक्चुअल मास, जो आपका ड्राई मास होगा। ओके, यानी कि अगर पानी के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग वेट मास कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट मास इज इक्वल टू वेट मास। ओके, क्योंकि हमारा बॉडी नेचुरली
नहीं, में सबसे ज्यादा वाटर है तो वो वेट मास हो गया। तो अपने मास में से जब पानी का वजन निकाल देते हैं तो उसको ड्राई मास कहते हैं। ओके, सो उसको ये हम लोग ड्राई मास कहते हैं। ओके, नाउ अभी ग्रोथ जो है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है, ओके, तो ग्रोथ हैज थ्री स्टेजेस, तीन स्टेजेस होते हैं। तो कौन से स्टेज होता है? तो पहला स्टेज होता है आपका, एक ऐसे फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो इस फेज में द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ओके, वो ग्रो करता है। ओके, जैसे तो उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, और एक बार नंबर ऑफ सेल्स जितने चाहिए तो बन गए, तो फिर हर सेल का साइज इनलार्ज होता है या वो इलोंगेट होता है, और फिर फाइनली वो अपने अपने काम करने लग जाता है, मतलब मैच्योर होने लगता है, मैच्योरेशन। तो इसी तरह जैसे बच्चा है, तो मतलब बच्चे का वैकेंसी बर्थ हुआ, उसके बाद में उसका हाइट बढ़ता है और बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मैच्योर होता है, अपना फंक्शन करने लगता है। तो हर सेल के साथ ऐसा होता है, और ये तीनों स्टेज को मिला के अल्टीमेटली ग्रोथ कहा जाता है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ मतलब सेल्स बनना, न्यू सेल्स बनना। ओके, ओके, नाउ अभी प्लांट्स और एनिमल्स में अगर ग्रोथ की बात करेंगे, तो प्लांट्स और एनिमल्स में अगर ग्रोथ की बात करेंगे, ओके, तो दोनों में फर्क क्या है? तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर जब तक वो प्लांट जिंदा रहता है तब तक वो ग्रो करता है। लेकिन एनिमल्स में इट इज अप टू सर्टन, यू कैन सी एज, एक सर्टन पीरियड या एज तक ही यू कैन सी व्हाट एनिमल में ग्रोथ होता है। ओके, तो इसके लिए यू कैन सी आपका प्लांट में आपका होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, और एनिमल में जो होता है इट इज ऑलवेज ए फिक्स ग्रोथ, दैट इज डिटर्मिनेट ग्रोथ। ओके, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। ओके, जैसे एनिमल में अगर बोलेंगे बाल जो है, बाल कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। ओके, तो एनिमल के साथ अभी एक्सेप्शन, अभी एनिमल के एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बॉडी के कुछ पार्ट एक्सेप्शंस। ओके, फिर हो गया जैसे हेयर का ग्रोथ हो गया। ओके, वो कंटिन्यूस रहता है। ओके, और प्लांट में भी एक्सेप्शंस है वो है आपका जैसे उसके पत्ते, लीफ हो गया, उसका फ्रूट हो गया, तो वो भी कंटिन्यूस ग्रो नहीं करते, एक पीरियड तक ग्रो करते हैं, उसके बाद में उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ओके, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, तो उसका ग्रोथ एक मैक्सिमम साइज तक होता है। ओके, तो सर्टन पार्ट्स दे एक्चुअली शो द डिटर्मिनेट ग्रोथ। ओके, ये भी एक एस्पेक्ट हो गया। ओके, चलिए और दूसरा एस्पेक्ट अभी क्या है, क्योंकि अभी आपको दूसरा पार्ट का एक्सप्लेनेशन देना है कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो अभी उसका आंसर क्या है कि ग्रोथ बेसिकली अभी दो टाइप का हो सकता है। ओके, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मतलब विद इन, यानी कि जो चीज ग्रो कर रही है, ओके, वो खुद की एबिलिटी से विद इन क्या करना है, ग्रो कर। एक्सट्रिंसिक मतलब फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड एडिशंस। ओके, तो बाहर से चीजें ऐड किया, जैसे जी अगर आप दीवार बना रहे हो, यानी कि बिल्डिंग ऑफ, यू कैन सी व्हाट, ए वॉल, बिल्डिंग ऑफ वॉल बाय एडिशन by addition of bricks, okay, तो ये भी एक प्रकार का ग्रोथ ही है, लेकिन कौन सा ग्रोथ है, this is extrinsic growth, okay, understood, तो लेकिन हो तो रहा है, लेकिन अगर दीवार चढ़ रही है तो वो भी ग्रो हो रहा है, okay, इसका मतलब है कि non-living things also grows, but extrinsically, तो एक्सटर्नली ग्रो करते हैं, लेकिन आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है विद इन, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स शो इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है। ओके, चाहे वो एक्सट्रिंसिक है इंट्रिंसिक है, तो दैट्स व्हाई ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि आपका ग्रोथ जो है इट is not a well defining, you can see what, feature, okay, it's not a well defining feature, okay, yani ki
इससे आप लोग एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ। ओके, तो इस तरह आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, गिव इट्स टाइप्स, एंड फिर सेम इट इज डिफाइनिंग या इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। ओके, तो इधर भी सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोपोगेट एंड परपेचुएट बाय गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। अभी सिंपल डेफिनेशन अगर देखा जाए आपका रिप्रोडक्शन का क्या होगा, तो सिंपल डेफिनेशन है द एबिलिटी टू गिव राइज टू यंग वंस, है ना। तो ये बचपन से आपने रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक डेफिनेशन, यंग वंस को आप क्रिएट करेंगे तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो हम सब में एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की। ओके, वी आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट देर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू व्हाट रिप्रोड्यूस, और वही नेचुरली डिसाइड करता है कि वो डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग, वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये अभी सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोपोगेट, प्रोपोगेट करना मतलब टू इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज द पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपना नंबर इंक्रीज करना है तो उसके लिए उसको रिप्रोडक्शन करना है। और दूसरा परपेचुएट करना मतलब क्या होता है, परपेचुएट करना मतलब टू मेंटेन द स्पीशीज टाइप, टू मेंटेन द स्पीशीज टाइप मतलब अपने जैसा वैरायटी वैकेंसी वो मेंटेन करना है। जैसे अभी देखो ये वैकेंसी एलिफेंट है, दिस इज एलिफेंट, तो एलिफेंट हैज गिवन राइज टू ए बेबी एलिफेंट, है ना। ओके, योर डॉग विल गिव राइज टू डॉग। ओके, तो यही आपका वैकेंसी रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दो कारण से करता है, एक तो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करना ताकि उनका सर्वाइवल चांस इंक्रीज हो, और दूसरा अपने जैसा क्वालिटी मेंटेन करना ताकि उनका स्पीशीज बढ़ते रहे। ओके, खानदान बढ़ते रहे, तो इसके लिए उनको जो न्यू इंडिविजुअल्स तैयार करने हैं वो अपने जैसे बनना चाहिए। तो अभी दो टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है, पेरेंट्स गिविंग राइज टू व्हाट प्रोजेनी, गिविंग राइज टू प्रोजेनी। ओके, तो पेरेंट्स मतलब क्या है, पेरेंट्स आर द यू कैन से मैच्योर इंडिविजुअल्स, मैच्योर इंडिविजुअल्स। ओके, और आपका एकेंसी प्रोजेनी आर द यंग एकेंसी इंडिविजुअल्स, यंग इंडिविजुअल्स। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यंग इंडिविजुअल्स। ओके, क्या जो होते हैं, पेरेंट रिप्रेजेंट्स वन जनरेशन, इट रिप्रेजेंट्स वन जनरेशन, और आपका प्रोजेनी रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो द प्रोसेस बाय वे वन जनरेशन गिव राइज टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। द प्रोसेस बाय वे पेरेंट गिव राइज टू व्हाट प्रोजेनी, ये भी आप लिख सकते हो। फिर प्रोजेनी अभी दो टाइप के डिफाइंड है, तो उसी से आपका रिप्रोडक्शन का टाइप डिफाइन होता है, एक है क्लोन्स और दूसरा है आपका व्हाट, ऑफस्प्रिंग। अभी क्लोन्स है कि ऑफस्प्रिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, कि अगर आपका एकेंसी रिप्रोडक्शन का मेथड आपका असेक्सुअल था तो असेक्सुअल मोड यूज किया तो आपका क्लोन्स, और सेक्सुअल मोड यूज किया तो उसको कहते हैं आपका ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन का मेन डिफरेंस, क्योंकि अगर आप टाइप्स लिखना चाहते हो टाइप्स, ओके, तो रिप्रोडक्शन के जो फंडामेंटल टाइप्स है तो दो फंडामेंटल टाइप्स पूछ सकते हैं, मोड्स पूछ सकते हैं, तो उसमें दो है फंडामेंटल, एक है जो प्रिमिटिव टाइप का है उसको कहते हैं असेक्सुअल, और जो कॉम्प्लेक्स टाइप का है उसको कहते हैं सेक्सुअल। ओके, तो इसका डिस्टिंग्विश हमको करना है, बिकॉज देयर विल बी चैप्टर जिसमें आपको रिप्रोडक्शन डिटेल में नेक्स्ट ईयर आपको डिटेल में करना है। अभी असेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, असेक्सुअल में देयर इज नो गैमेट, देयरफॉर देयर इज नो जायगोट, देयर इज नो जायगोट। तो ये चीज खाली याद रखिए, अगर कोई भी मेथड ऐसा है जिसमें जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे फिशन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ओके, तो ये सारे असेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, ये सब असेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल मेथड मतलब यूनियन ऑफ गैमेट्स, यूनियन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बनता है जिससे जायगोट तैयार होता है। ओके, तो एकदम फंडामेंटल ये याद रखिए, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट से तैयार हुआ मतलब सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस किया गया है। ओके, अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेथड ही यूज कर सकते हैं, कुछ असेक्सुअली करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स है वो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड यूज करते हैं। एक्चुअली प्लांट में क्या है, उनका लाइफ के ही दो स्टेज होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके ओके, नाउ अभी रिप्रोडक्शन, ये तो जो मेथड है तो वो भी अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है कि आपका मल्टी, सॉरी यूनि सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है।
यूनिसेलुलर में क्या होता है, यूनिसेलुलर में आपका एक सिंगल सेल, तो वन सेल जब डिवाइड होता है, देखिए वन सेल जब डिवाइड होता है तो ये डिवाइड होना ही उसके लिए दोनों एस्पेक्ट हो जाता है, उसका ग्रोथ भी हो रहा है और उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी वर्ड स्टेटमेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी आएगा, ओके। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वही उसका रिप्रोडक्शन है, ओके। तो ग्रोथ इज रिलेटेड टू वर्ड रिप्रोडक्शन, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ओके। लेकिन आपका जो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए एक स्टेज रीच करना पड़ता है, मैच्योर स्टेज, उसके बाद में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, ओके। क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में फिर वहां पे फर्क पड़ता है, ओके। नाउ फिर लास्ट में अभी जो सेकंड पार्ट है कि वो डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है, तो वेरी सिंपल, ओके। तो ऑल लिविंग लाइफ या ऑल लाइफ फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ओके, डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो कुछ एक्सेप्शंस है, ओके, जैसे एग्जाम्पल है आपका स्टराइल ऑर्गेनिज्म, स्टराइल ऑर्गेनिज्म। अब स्टराइल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, उन्हीं को इनफर्टाइल भी कहते हैं, मतलब जिनके पास गैमेट्स बनाने की एबिलिटी नहीं होती है, ओके। तो उसके एग्जाम्पल्स है जैसे आपका स्टराइल फीमेल हनी बी, फीमेल हनी बी, ओके, स्टराइल होते हैं। फिर ह्यूमन कपल, कुछ ह्यूमन कपल्स जो होते हैं, ह्यूमन में आपने देखा होगा, इवन एनिमल्स में भी, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ सम एजेंसी जेनेटिक डिसऑर्डर या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, ऑर्गन का डिसऑर्डर, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, या तो स्पर्म नहीं बना पाते या अंडे नहीं बनाते, ओके, सम कपल्स इनफर्टाइल कपल्स बोल सकते हैं, ओके। और फिर आपके एजेंसी हाइब्रिड्स, तो मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड्स एनिमल्स में जो हाइब्रिड ह्यूमन ने डिलीवरी तैयार किया उसका एग्जाम्पल है म्यूल्स, ओके, जो डोंकी और आपका एक हॉर्स के मिलन से तैयार हुआ, उसको खच्चर कहते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ओके? तो इसकी वजह से, हैंस देयरफॉर द रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ओके? तो ये आपको इस तरह लिखना है फिर, ओके? तो आपको एग्जाम्पल देना है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए, हैंस इट इज नॉट ए डिफाइनिंग, ओके? क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होता है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होना चाहिए, ओके? तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी एंड हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट एस्पेक्ट, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, और अब ये बताना है कि वो डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ओके? तो एक्चुअली फिर यहाँ पे सेम होगा, मेटाबॉलिज्म इज अ सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओके? नाउ तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म is equal to anabolism plus catabolism. तो दो टाइप के एजेंसी वॉट एक्टिविटीज मिलके मेटाबोलिज्म को डिफाइन करते हैं, ओके? यानी कि मेटाबोलिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, ओके? तो एनाबोलिक इज नथिंग बट फॉर्मेटिव टाइप का प्रोसेस, फॉर्मेटिव प्रोसेस या फॉर्मेटिव रिएक्शंस। आपका कैटाबोलिज्म को आपका ब्रेक डाउन प्रोसेस, ब्रेक डाउन यू कैन सी व्हाट प्रोसेस। तो कैटा याद रखना, कैटा काटा, काटा काटा मतलब ब्रेक, ओके, तोड़ना, तोड़ना, ओके, मतलब ब्रेक कर देना, तो इससे आपको समझेगा। तो बस ये कैटा को याद रखिए, एना का मतलब ऑपोजिट है, ओके, मतलब फॉर्म करना, एना मतलब जोड़ना, जोड़ना, अगर वो काटना है तो ये जोड़ना हो गया, ओके। जैसे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप एक एनसी प्रोटीन लेते हैं, एक प्रोटीन लेते हैं, ओके, और उसको आप ब्रेक कर रहे हो जिससे वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन अभी दिख रहा है ये क्या है, हमने ब्रेक किया है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये, ओके। और अगर आपने अमीनो एसिड को जोड़ के वापस प्रोटीन बना लिया तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ओके। तो एनाबॉलिक प्रोसेस देयरफॉर leads to growth, leads to growth, leads to growth, और growth का मतलब है formation of what? New cells, तो new cells बनते हैं, okay? अब ये सारे reaction जो है, okay, हम लोग living organism के बाहर भी कर सकते हैं, तो in vitro, मतलब outside body, ध्यान देना, okay? क्योंकि अभी यहाँ पे लिखता हूँ, in vivo मतलब body के अंदर, inside body, उसको कहते हैं in vivo, और इन विट्रो का मतलब होता है आपका आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी,
इन लैब कंडीशन. ओके, तो इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है कैन बी परफॉर्म, कैन सम सारे नहीं, कैन बी परफॉर्म. ओके, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, बट नॉट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, लिविंग रिएक्शंस कहते हैं, लिविंग थिंग नहीं कहते, लिविंग रिएक्शंस कहते हैं. ओके, तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ के सारे एक्टिविटी कर रहा है, मतलब या वो एनाबॉलिज्म कर रहा है नहीं तो कैटाबॉलिज्म कर रहा है, तो बोथ द प्रोसेस शुड बी इन बैलेंस कंडीशन. ये दोनों प्रोसेस जो है इसी का जो स्टेटस है, स्टेट मतलब बैलेंस, वो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं. क्योंकि अगर वो ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस इज मोर, कैटाबॉलिक प्रोसेस इज लेस. अगर उसका ग्रोथ क्या है, इक्वल हो गया है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस इज इक्वल टू कैटाबॉलिक. और वो अगर एजिंग प्रोसेस में है, यानी कि एनाबॉलिज्म जो है वो कम हो गया, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या हो गया, बढ़ गया. ओके, क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्रोथ, ग्रोइंग फेज, ये आपका ग्रोथ हो रहा है. ओके, ये आपका स्टडी फेज में चला गया, और ये हो गया आपका एगेंसी एजिंग फेज बोलते हैं. ओके, इसके लिए अगर कोई पर्सन एगेंसी बूढ़ा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो फास्ट हो रहा है और एनाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो गया है. ओके, तो देयरफॉर इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म इज द यूनिक, मेटाबॉलिज्म इज द यूनिक यू कैन सी एंड डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट कौन है, सेल है. ओके, इस पे हम कमेंट करना है. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. और लिविंग एक्टिविटी आर बेसिकली ऑकरिंग इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब यही जो प्रोटोप्लाज्म है, ओके, यही जो प्रोटोप्लाज्म है, इट इज द एक्चुअल यू कैन सी लिविंग मैटर, इट इज द एक्चुअल लिविंग मैटर माना जाता है. उसी में आपका यू कैन सी व्हाट सारे लिविंग एक्टिविटी मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. ओके, और सेल को आपको मालूम है इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं. ओके, तो बेसिक यूनिट के साथ सेल का एक प्रॉपर्टी है, सेल्स शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन व्हाट, डाइवर्सिटी, यानी इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, इतने टाइप के सेल्स है, तब भी हर सेल में कुछ चीजें कॉमन है. ओके, तो सेल की वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें समानता. ओके, अनेकता में एकता भी बोलते हैं. ओके, तो जो समानता हर ऑर्गेनिज्म में एक चीज की वजह से है, वो सेल की वजह से है. तो ओके, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स, तो दो टाइप के है, यूनिसेलुलर. ओके, एंड देन यू हैव गॉट व्हाट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन, ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल के होंगे, तो यूनिसेलुलर दे आर जनरली प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव. ओके, जिसमें आपके बैक्टीरियाज आते हैं, फिर आपके एल्गीज आते हैं. ओके, से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्स वाले, प्रोटोजोअन्स आते हैं. ओके, अमीबा, बाबा अमीबा है, वो कैटेगरी का एक्सेट्रा है. ओके, और आपका मल्टीसेलुलर दे आर, यू कैन सी दे आर ऑल्सो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल्सो सिंपल टू व्हाट, कॉम्प्लेक्स. क्योंकि अगर आप प्लांट की बात करेंगे, तो प्लांट में आपका यू कैन सी व्हाट, थैलोफाइटा से लेके सिंपल फॉर्म होता है, उसके बाद में ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह कॉम्प्लेक्सी बढ़ती है. और एनिमल्स में बात करेंगे तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसके हिसाब से जाएंगे, इनवर्टिब्रेट से फिर आप वर्टिब्रेट की तरफ जाते हैं. ओके, तो दैट्स व्हाई, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरली सेल होता है. तो सेल शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बनता है, उस पर सेल थियरी भी है. तो देयरफॉर सेल जो है, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बनता है, बिना सेल का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर. ओके, ये आपको गिव रीजन, ये गिव रीजन है, ये सारे सेंटेंस लिखने के बाद ये लास्ट में लिखना है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स बेसिकली. ओके, आपका ये टॉपिक भी हो गया. चलिए नेक्स्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपका लाइफ का, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाई इट इज मोस्ट यूनिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ. ओके, तो कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड गिव एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. इसके लिए तो पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. ओके,
तो कॉन्शियसनेस को ही हम लोग बोलते हैं सभानता, सभानता, ओके, मतलब भान, भान का मतलब है टू बी अवेयर, टू बी अवेयर, फिर से देख लिया, ओके। और इसी को इरिटेबिलिटी भी कहते हैं, इरिटेबिलिटी, ओके, किसी को गुदगुदी होती है, ओके, इरिटेट होता है, उसी को आपका रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं, रिस्पॉन्स देने की मतलब प्रतिक्रियात्मकता कहते हैं, ओके। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है क्योंकि उसके लिए सेंसरी यू कैन सी सिस्टम रहता है ताकि वो दे सके रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज जो होता है बॉडी के बाहर उसको स्टिमुलस कहते हैं, और रिस्पॉन्स मतलब टू रिएक्ट, जो रिएक्शन होता है, ओके। जैसे अगर आप कैन सी एसी में बैठे हो तो थोड़ी देर के बाद आपको यू कैन सी तकलीफ होगी और इमीडिएटली आप कांपने लगोगे, और गर्मी है तो ना इसलिए आप यू कैन सी उस टाइप के बॉडी उस टाइप का रिस्पॉन्स देता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, करेक्ट नो। तो हॉट चीज को टच करते हैं तो हमारा हाथ यू कैन सी इमीडिएटली विड्रॉ होता है। तो एनिमल्स का जो आपका रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्विक रहता है, तो एनिमल्स में, तो एनिमल्स का रिस्पॉन्स, तो एनिमल का रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स क्विक रहता है, ओके। और लेकिन प्लांट्स हो गए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, इतना फर्क है, लेकिन रोगा रिस्पॉन्स होता है। जैसे प्लांट जो है लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, वो भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स ही है, कॉन्शियसनेस ही है उनका, ओके ना। अब ये जो कॉन्शियसनेस है इसी से हम लोग एक लिविंग को डेड से या नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए कॉन्शियसनेस यानी कि डेड एंड नॉन लिविंग, dead and non-living do not show this property, okay, therefore it is the most unique, agar aapko ho gaya, which is the most unique and defining feature, वही है आपका कॉन्शियसनेस, ओके। तो कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प अस टू एडजस्ट एंड सर्वाइव इन आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को बचाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिवनेस होना बहुत जरूरी है, ओके। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। अभी दूसरा एस्पेक्ट है कि ह्यूमन के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, ओके। तो एबिलिटी क्या है, उस पर क्वेश्चन अलग से आपको आ सकता है कि विच फीचर इज शोन एक्सक्लूसिवली बाय ओनली ह्यूमन। तो पहले बताया, तो ह्यूमन के पास जो एक्सक्लूसिव एबिलिटी होती है वो है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन जो है वो अपने बारे में समझ सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, उससे गलती हुई कि नहीं, ओके। यानी कि देखो, अगर कैट ने आपको चिमटा मार दिया या एक ऐसी चोट पहुंचाई तो इमीडिएटली देखो उसमें कोई फीलिंग नहीं आती है, उसको गलती का एहसास नहीं होता है, ओके। लेकिन इंसान को होता है, अगर वो गलती से अगर वो किसी को मार दे तो समझ जाता है गलती से उसने क्या किया, ओके। तो एनिमल्स के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है, प्लांट्स में तो बिल्कुल नहीं है, ओके। तो दैट्स वाई ह्यूमन के पास प्रेजेंटली ये जो फीचर है खाली ह्यूमंस में पाया जाता है, ओके। उस पर रिसर्च अभी चल रहा है, ओके। तो ये अगर क्वेश्चन आ गया तो उसके आंसर ये आपको लिखना है, ओके। चलिए अब इसके साथ में फिर दूसरे लाइफ फीचर्स जो आपने एक एनसी पढ़ा है, ओके, अपार्ट फ्रॉम द टेक्सटबुक ये भी आ सकता है। तो यू गॉट मूवमेंट, ओके। तो मूवमेंट के बारे में लिखिए, तो ये आपका पहला हो गया मूवमेंट, दूसरा एडाप्टेशन है, तीसरा होम्योस्टेसिस है, चौथा इवोल्यूशन है, पांचवा एजिंग है और छठा डेथ है, ओके। तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में आपको एक एनसी बताया, इसमें से कुछ डिफाइनिंग है, कुछ क्या है नॉन डिफाइनिंग है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा एक एनसी नॉलेज which may be required, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, okay students, with this we have completed, you can see what